कि इस तरह के मुश्किल माहौल में आपको क्या कुछ करना चाहिए। एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर सुनील सिंगानिया साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। पहले तो मुझे ये बताइए, इस तरह का माहौल आपने तो आपको कितना 30-35 साल हो गए, 30 साल हो गए सर, मार्केट में कितने हो गए? 25-27 साल हो गए। और यू नो ऐसा माहौल पहले भी आया है, लेकिन ये थोड़ा सा निराला है, क्योंकि पहले जो माहौल था जी, उसमें इट वाज मोर इकोनॉमी एंड मार्केट्स। अब की बार जो माहौल है उसमें हेल्थ मार्केट्स और कोई भी कंट्री है ना, इससे बच नहीं पाई है। तो पहले बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता था, जैसे लेमन हुआ तो इट वाज मोर यूएस सेंट्रिक इशू, फिर तो थोड़ा थोड़ा फैला ग्लोबली, इंडिया में इतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इस टाइम आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी, मार्केट्स एंड ऑल्सो हेल्थ। ठीक बात। तो ये वाला कॉम्बिनेशन दोनों का जो है, हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यू है, अभी तक दोनों ही दूर दूर तक सॉल्व होने के आसपास दिख नहीं रहे हैं, क्या ऐसा समझना ठीक है सर? देखिए अनिल जी, क्या है ये, जैसे मैंने कहा, ये हमारी इतनी लंबी लंबी प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो वायरस है उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है। दूसरी ये बात है कि ये पहले चाइना में था तो लोगों को इतना टेंशन नहीं था कि चाइना स्पेसिफिक है और चाइना उसको संभाल लेगा। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे यूरोप में फैल रहा है, अभी यूएस में फैल रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली जैसे जैसे टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ेगी, ये जो नंबर है ऑफ पेशेंट्स आर इन्फेक्टेड वो लॉजिकली ऊपर जाएंगे। तो एक बार ये स्केयर जो है ये मेरे हिसाब से एक बार बढ़ेगा, उसके बाद में हो सकता है कि ये गिरे। ऑन द अदर हैंड एक अच्छी चीज ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड काफी जगह इसका एक यू नो इसका कोई एक एनेक्डोट या मेडिसिन निकालने के लिए बहुत जोर से तैयारियां चल रही है। कल यूएस के प्रेसिडेंट ने भी एक दवाई का नाम लिया जिससे थोड़ा इसमें रिलीफ मिल सकता है। तो ये आशा कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत एक इवॉल्व्ड यू नो कम्युनिटी है और कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकलना चाहिए। दूसरा, जो अवेयरनेस फैला है लोगों में कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हम ज्यादा घुले मिले नहीं। अभी जो वर्क फ्रॉम होम 50% स्टाफ और इवन सोसाइटीज में जो यू नो जो प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, उससे लगता है कि जनरली इसका जो जो फैलना है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। जहां तक मार्केट का संबंध है, आई थिंक जैसे ही ये एक इंडिकेशन मिलेगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स नए बढ़ने कम होने लग गए हैं, आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट। अभी एक डर का माहौल है, किसी को पता नहीं है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन सी कंपनियों को इम्पैक्ट होगा। एक रिस्क अवर्सनेस का एक माहौल है, जिसके पास जो शेयर है उनको लगता है एक बार बेच के अपना बैंक में पैसा जमा कर लीजिए। तो बहुत ही एक बोले ना, एक कोई भी टाइप की रिस्क नहीं चाहिए वैसा एक माहौल है। तो इसमें ये कहना मुश्किल है कि ये टर्न कब होगा, बट ये जरूर है कि जो फियर है वो एकदम पीक पे है। तो मे बी यू नो द वर्स्ट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। 2-5-10% ऊपर नीचे स्विंग ट्रेड्स में हो सकता है, बट फियर इज एट इट्स पीक। नहीं नहीं सुनील जी, जैसा आप कह रहे हैं ना, 5-10% और वर्स्ट हो सकता, उतने में ही रुक जाए तब तो भी हमारे तो लिए अचीवमेंट है। इससे ज्यादा ना गिरे ना, इतना 10% तक तो संभाल लेंगे सर, इससे ज्यादा अब हिम्मत बची नहीं है। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराए। सर अभी क्या है ना, देखो ये अभी माहौल ऐसा है कि कुछ बोलना बहुत ही मुश्किल है जी। लेकिन एक अच्छी चीज है, कल बहुत दिनों बाद जी, जो यूएस मार्केट है वो 1% के दायरे में ही वोलेटिलिटी कम हो गई। बिल्कुल सही। तो ये जो 10% ऊपर 10% नीचे वाला जो एक जो माहौल है बाजार में जी, एक बार वो कम होगा, वॉलिटिलिटी कम होगी,
तब जाके लोगों की हिम्मत बनेगी। अब ये जो वॉल्स है जो 70% 80% 90% पे हो गए हैं, उससे एक बहुत डर पैदा होता है। आप कुछ लो 15 मिनट में वो 10% नीचे है, 10% ऊपर है, आप नॉर्मल डिसीजन ले ही नहीं सकते हो। आई थिंक इंडिया में भी एक अच्छी चीज है, सुबह से बाजार जो है ना 1% के दायरे में घूम रहा है, विच इज गुड। जिसको बेचना है उसका माल बिक रहा है, जिसका लेना है वो अपने आराम से पेशेंटली ले रहा है। स्विंग ट्रेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बहुत ही जैसे मैंने कहा फियर का माहौल है। हमने देखा है कि ग्लोबल फंड्स में बहुत रिडम्पशन हुए हैं, उन्होंने बहुत जम के ग्लोबली शेयर्स बेचे हैं। ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट एक ही दिशा में चल रहे हैं, सब 20-25% नीचे हैं। तो ये एक सिंक्रोनाइज काइंड ऑफ फियर है। तो एंड विल बी नियर, बट एकदम ही ठीक से कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज कोरोना का क्या होगा वो भगवान ही बता सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सुनील जी, एक चीज और, चूंकि आप तो इतने लंबे समय तक बड़े भारी भरकम फंड चला चुके हैं, फंड मैनेजमेंट कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, अब थोड़े ज्यादा पैसे वालों के लिए कर रहे हैं, पहले रिटेल के लिए भी कर लेते थे, लेकिन राय रिटेल के लिए बताइए कि जिन लोगों की एसआईपी चल रही है या जिन लोगों के म्यूचुअल फंड में वैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी पड़े हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? एकदम से ही उनको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगर आपके पास जगह है तो आपकी एसआईपी कंटिन्यू भी रखिए, क्योंकि इसका होल मतलब ही एसआईपी का वो होता है कि आपने अगर ऊपर में डाला है और बाजार कभी नीचे होता है तो आप नीचे में भी इन्वेस्ट करिए, तो आपका एवरेज होते रहता है। और अगर सपोज बाजार 15-20-25% कभी ऊपर आ गया वंस दिस कोरोना वायरस फियर रिसीड्स, तो अगेन आप फिर से यू विल बी इन द मनी। आई थिंक दिस इज मार्केट, जैसे घिरा है जोर से, ये असंभव नहीं है कि उतने ही जोर से बढ़ जाए, लेकिन है इसको 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इकोनॉमी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आज हम बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, आज हम बाहर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, आज हम घूमने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा नेचर तो है ही ना, जैसे ही ये थोड़ा भी ठीक होगा वी विल अगेन कम बैक टू नॉर्मल। 2 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, पता नहीं। हाँ नियर टर्म में थोड़े लोगों को सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, डे टू डे जो वर्कर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने कहा ही है, आई थिंक मैं भी उसी और सब हम उस बात से सहमत हैं कि आप प्लीज इस माहौल में किसी की नौकरी मत जाने दीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए और आई थिंक वर्ल्ड विल बाउंस बैक। ठीक बात है। अच्छा सर एक और चीज है, वो बताइए कि हर बार जब भी वापस मार्केट खराब होकर तेजी आती है, बेयर मार्केट से हम बुल मार्केट में पहुंचते हैं तो लीडर्स बदलते हैं, क्या इस बार भी लीडर बदलने की संभावना है? तेजी होगी तो क्या कुछ नए लीडर सामने आएंगे? यदि हाँ तो कौन से हो सकते हैं? अनिल जी क्लियरली दिख ही रहा है हमको, आज भी देखिए बाजार पॉजिटिव है, लेकिन जो पहले के जो बोलते थे दिग्गज फाइनेंशियल सेक्टर वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरे जो सेक्टर हैं जैसे फार्मा फॉर एग्जांपल, उसमें आप देखोगे तो बाय एंड लार्ज ज्यादा गिरावट आई नहीं है। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट का मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ऑल्सो एक और चीज नजर आ रही है कि जो पहले हम टेकन फॉर ग्रांटेड रहते थे कि ये 50p पे चलेगा, ये 60p पे चलेगा, आज मैं देख रहा था अगर स्टारबक्स और मैकडोनल्ड जो दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स हैं उनकी पी 15-15 हो गई है। तो आई थिंक थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा कि अगर इंडिया का ग्रोथ रेट भी साल भर में 0%, 3%, 4%, 5% होगा तो हमारे यहाँ पे क्या ये कंजम्पशन के शेयर 60-70p चल पाएंगे कि नहीं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो ये शिफ्ट होगा, जो हार्ड एसेट्स वाले शेयर हैं जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो 2-2, 3-3 p पे आ गए। तो अगेन वी डोंट नो कि 3 महीने में उनका क्या होगा, बट ये हार्ड एसेट्स है। आज हम नॉर्मल पे आएंगे, इतना क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ है, इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है सब सेंट्रल बैंक्स ने, आई थिंक ये स्टील सीमेंट दूसरे जो हार्ड एसेट्स हैं इंजीनियरिंग ये सब में आगे पीछे डिमांड तो आने वाली है। अब उसमें 2p, 3p, 4p में अगर शेयर मिल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वो इतने सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है, इसमें
प्रमोटर्स बायबैक करेंगे, खुद बढ़ाएंगे, टेक ओवर होंगे, इतने अगर दाम अगर यू नो जो 1000 करोड़ का एबिटा करने वाली कंपनियां 1000-1500 करोड़ के मार्केट कैप में मिल रही है, दे विल बिकम टेक ओवर कैंडिडेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आई थिंक एक बार जैसे ही थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आएगी, ये सब कंपनियों में मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी. दूसरा क्या, पूरे दुनिया में इंटरेस्ट रेट जीरो है. आज हमारे पास रिस्क लेने की मन में है ना वो इच्छा नहीं है, बट अगर थोड़ा सा भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई तो आपको तो पैसा 0% 1% इंटरेस्ट रेट में मिलेगा. तो आप तो जहां जहां जो जो कंट्री में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, जिसमें इंडिया विल बी वन ऑफ द बेटर वंस, आई थिंक वहां आप एसेट खरीदने की फुल कोशिश करोगे. इंडिया में आज हम करीब करीब 40-45 बिलियन डॉलर साल का तो सिर्फ तेल से बचा लेंगे. प्लस ये फैक्ट है कि इंडिया में अभी तक, और भगवान करे कंटिन्यू रहे, कोरोना का इम्पैक्ट हैज बीन वन ऑफ द लीस्ट. आज पर मिलियन पीपल इंडिया में सिर्फ 0.1 इज इम्पैक्टेड. आज दूसरे कंट्री यूएस में 45 है, इटली में 500 लोग पर मिलियन इम्पैक्टेड है, इंडिया में सिर्फ 0.1 है. और अगर हम सब ध्यान रखेंगे तो ये ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश दूसरे कंट्री के मुकाबले कम है. हमारा वेदर भी ये सपोर्ट करता है. आई थिंक अगर वो हो गया तो इंडिया में बड़ा पोटेंशियल, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. उसमें हमको भी साथ देना पड़ेगा और हम ये इच्छा करेंगे और आशा रखेंगे कि गवर्नमेंट भी ऐसे स्टेप्स लाए जिससे नियर टर्म जो स्ट्रेस है उसको हम मिलके संभाल सकें. बिल्कुल. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि कोरोना जल्दी से काबू में आए, बाजारों की ये उतार चढ़ाव कम हो और फिर से बाजार नई तेजी की करें तैयारी. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी वक्त निकालने के लिए और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि इस बार भी गिरावट जो हुई है पहले की तरह हुई है, कई बार हुई है, हर बार की तरह हम फिर से उबर कर आगे बढ़ेंगे. दोस्तों, इसके सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए. यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया. तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए.